तो लास्ट में ये भाई साहब बच जाते हैं, तो कि जो कि बहुत उछल कूद कर रहे होते हैं, तो इनका भी पेटी बनाते हुए तुम्हारे भाई ने चिकन डिनर लेता है। तो दोस्तों वेलकम वेलकम बैक टू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। दोस्तों स्वागत है आपको फिर से एक बार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर, एक गलत सीन से भरे परे BGMI गेम प्ले के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम तो लूट करेंगे, लूट नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, नहीं तो बंदे तो पेटी ही बनाएंगे सीधे। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर पे कूदते हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो फिर हम घर में जाते हैं और घर में लूट के नाम पर तो वहाँ एक हेल्थ किट और बैंडेज वगैरह दिख जाते हैं, तो इसी को उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पास एक सस्ता सुविधा वाला एक पिस्तौल मिल जाती है, तो इससे तो भाई साहब कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर हम गन ढूंढने में लग जाते हैं, तो गन के नाम पर UMP वगैरह मिल जाते हैं, तो इसी को उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मुँह विंडो से छलांग लगा देते हैं और सामने एक और घर दिख रहा होता है, तो सोचे क्यों ना इस घर में जाया जाए। तो घर में जाते हैं तो भाई 6x वगैरह मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फिर दोस्तों इस 6x लेने के बाद दोस्तों एक घर में जाते हैं, तो घर में जाने के बाद लूट के नाम पर तो सिर्फ एमओ वगैरह मिलते हैं, लेकिन एक बंदे दिख जाते हैं, तो सोचे क्यों ना भाई इस बंदे का पेटी बना लिया जाए। तो फिर क्या था, इस बंदे का तो पेटी बन जाती है, तो फिर सोचे बंदे की भाई पेटी में तो कुछ लूट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब के पास कोई उतना अच्छा गन नहीं था, फिर भी कम चलाव था तो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर क्या था, भाई साहब की पेटी लूटने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर एक मिल जाता है गन, जो कि उससे अच्छा चलने लायक है, तो फिर हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो फिर उस गन को एक्सचेंज करने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या था, आगे की तरफ तो उतना कुछ था नहीं, लेकिन एक और बंदे ज़रूर दिख जाते हैं। तो सोचे काहे ना भाई इसका पेटी बना लिया जाए, तो बंदे तो घर के अंदर नहीं होता है, ये बाहर में भाई साहब स्कैम करके बैठे होते हैं, मेरे को निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं कि उस गेट से हम अंदर निकलेंगे तो भाई साहब मेरा पेटी बनाएंगे, लेकिन हम भी क्या थे, बाहर दूसरे गेट से निकलते पेटी बनाते हैं। तो फिर इस पेटी बनाते हुए इनके पास लूट के नाम पर एक स्कारल वगैरह मिल जाती है, तो हम स्कारल नहीं लेते हैं क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा एमओ इसमें था। तो फिर सोचे काहे ना भाई उस स्कारल को छोड़ के आगे बढ़ जाए, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों हमें एक गाड़ी दिख जाती है, तो फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं सीधे। गाड़ी में बैठने के बाद दोस्तों हमें ड्रॉप दिख जाती है, तो सोचे काहे ना भाई सब ड्रॉप लूट लिया जाए। तो फिर ड्रॉप को लूटने के लिए पहुंचते हैं, तो सोचते भाई कि ड्रॉप में तो EWM वगैरह मिल जाएंगे तो उससे अच्छी पेटी बन जाएगी। तो भाई यहाँ गाड़ी लगाते हुए भाई साहब ड्रॉप लूटते हैं, ड्रॉप में EWM मिल जाती है, तो फिर EWM लेते हैं, फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठ कर सोचते हैं स्नाइपिंग करेंगे कहीं से सही जगह पर जा कर के। तो फिर क्या था, गाड़ी से हम आ जाते हैं लेकिन बंदे तो कहीं दिख नहीं रहा होता है, तो फिर हम गाड़ी से उतरते हैं और बंदे को ढूंढने में लग जाते हैं, तो इधर तो कहीं नहीं दिख रहा होता भाई साहब, लेकिन उस तरफ जाते हैं देखते हैं कोई मिल जाए। तो उस तरफ जाने के बाद हाँ एक बंदे तो नज़र आ गए हैं, तो भाई साहब वो भी आ रहा होता है थोड़ा दूर में। तो फिर क्या था, मेरे पास भी EWM था, उसमें 6x लगाते हैं और स्कोप करते हैं उस पर, लेकिन भाई साहब उसमें दिख नहीं रहा होता, फिर हम खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, तो भाई साहब वो बैठ के स्नाइपिंग कर रहा होता मेरे ऊपर, तो फिर क्या था, उससे पहले मैं उस पर उसका पेटी बना देते हैं। तो फिर उसका पेटी बनाते हुए दूसरे तरफ आते हैं, भाई साहब ये क्या था, ये तो गलत सीन था भाई, ये तो मेरे ऊपर भी स्नाइपिंग कर रहा था, लेकिन इस भाई साहब का तो पेटी बन गया। तो इसी के साथ मेरा 4 किल हो जाता है। तो फिर सोचे काहे नहीं इसका पेटी लूटा जाए, कुछ एमओ वगैरह मिल जाए, लेकिन उतना कुछ मिला नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद एक भाई साहब और दिख रहा था, वाह क्या बात है ब्रो, वो भी एकदम बंदूक ताना हुआ था, लेकिन भाई साहब का तो हेड शॉट लग जाती है EWM से, तो EWM से हेड शॉट में तो डायरेक्ट किल ही होती है। तो फिर हम गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं बंदे को ढूंढने के लिए। तो फिर क्या था, दूसरी तरफ एक और ड्रॉप दिख जाती है, तो फिर हम ड्रॉप को लूटने के लिए पहुँचते हैं। तो ड्रॉप को लूटने के लिए पहुँचते हैं, तो फिर ये क्या भाई साहब, दूसरी तरफ एक बंदी मिल जाती है। तो ड्रॉप को लूटने से पहले भाई साहब को पहले उसको पेटी बनाना ज़रूरी होता है, तो फिर उसका पेटी बना लेते हैं। भाई साहब हेल्थ किट वगैरह यूज कर रहा होता है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका पेटी बनने वाला है। इसमें भी एक गन मिल जाती है जो कि M249, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बहुत
एमो रिलोड हो जाती है एक बार में। एक बार में इतना एमो कि कम से कम 4-5 बंदे का तो पेटी बन ही जाएगा आसानी से। तो फिर क्या था, फिर इसने एक बंदे को गाड़ी से कुचलते हुए आगे बढ़े, क्योंकि ये भाई साहब मेरे गाड़ी के सामने आ जाती है तो फिर उसको छोड़ने की बात कहाँ से आ जाती है। तो फिर क्या था, फिर गाड़ी में से कुचलते हुए आगे निकलते हैं और इसको पेटी में कुछ एमो वगैरह मिल जाती है। तो फिर हम एमो को उठा लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर आगे की तरफ आने के बाद एक और पेटी में जो एमओ था वो भाई का M249 में जो एमओ था 25 एमओ उतारने, उतना में तो भाई सब खल्लास हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि M249 में एक बार में कितने बंदे किल कर सकते हैं, वो भी ऑन स्पॉट। तो फिर क्या दिक्कत थी भाई साहब की पेटी बनाते हुए, हमें यह कि ये तख्ता का ये जो घर दिख रहा था तो सोचते भाई यहाँ से स्नाइपिंग करेंगे। फिर मुझे समझ में आया कि घर में क्या है, कोई भाई साहब अगर दूर से 2 AWM देगा उसी में तो भाई घर टूट के मेरा पिटी बन जाएगा। तो फिर सोचे भाई साहब इसमें सेफ नहीं है, तो फिर हमें घर से निकलना पड़ेगा। तो फिर क्या था, M249 में हम स्कोप एक्सचेंज किए और फिर थोड़ा अगल बगल में देख लेते हैं कि कोई बंदे वगैरह है या नहीं। तो फिर एमो रिलोड करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं, उससे पहले थोड़ा रिलोड उलोड कर लेते हैं। तो फिर आगे की तरफ निकलते हैं, तो फिर बंदे को थोड़ा ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं। तो फिर क्या था, बंदे को ढूंढने के लिए हम गाड़ी में बैठते हैं और आगे में निकलते हैं, क्योंकि भाई सर्किल भी बनने वाला होता है। तो फिर हम आगे की तरफ निकलते हुए एक मोटरसाइकिल को ऐसे तैसे करके आगे निकलते हैं। तो फिर सोचे काहे नहीं इस जोन में जाके बैठा जाए, लेकिन भाई दिक्कत तो कुछ यूँ हो जाती है कि मेरा गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाती है, साली गलत सीन हो जाती है मेरे साथ। तो फिर क्या था, तो पैदल ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई तो ऐसे रुकने वाला होता है नहीं, क्योंकि भाई का तो चिकन डिनर चाहिए। तो अभी 20 बंदे बच जाते हैं, लेकिन हम भी क्या था धैर्यता रखते हुए पैदल निकलते हैं बंदे को ढूंढने के। उतना में एक बंदी दिख जाती है और यहाँ पे दोनों में रश चल रहा होता है। तो फिर उसी के बीच में हम टपक जाते हैं, क्योंकि भाई के पास तो M249 और AWM दोनों होता है। लेकिन उतना में क्या होता है कि दो बंदे हमें देख रहे हैं और साले एक पीछे से पीछे होते हैं, एक आगे से। तो फिर क्या होता है, हम लेट जाते हैं और एक को दे देते हैं हेडशॉट AWM से। तो भाई को पेटी बनाते हुए 9 किल हो जाती है। फिर हम लेटते हुए आगे बढ़ते हैं और सोचे जो दूसरा बंदा है उसको पेटी बना लेते हैं, लेकिन सारे दिख नहीं रहा था। तो सोचे अभी हम लेटे रहेंगे तो मेरा पेटी तो पक्का बनेगा, उसका बने या नहीं लेकिन मेरा बन जाएगा। तो भाई साहब को उठ के दे दिया था M249 हाथ में लिए और भाई साहब को दे दिए। फिर एक दूसरे साइड जो था उनको ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं, लेकिन वो भाई साहब समझ जाता है कि ये प्रो बंदा है, फिर वो आगे निकल जाती है। तो फिर क्या था, हम भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और उसको ढूंढने के लिए, लेकिन लगता है भाई साहब गिली सूट वगैरह पहना होता है, हमें दिख नहीं रहा होता है। तो फिर हम दूसरी तरफ निकलते हैं, लेकिन भाई साहब पीछे से कहीं दे रहा होता है हमें। फिर हम एक ओम लेते हैं और उससे पहले मेरे पास हेल्थ की बहुत हेल्थ कम पड़ जाता है। तो सोचे भाई नहीं भाई साहब काहे ना पहले हेल्थ फुल कर ले, नहीं तो AWM की चोट से तो मेरा पेटी पक्का बन जाएगी। तो फिर क्या था, हेल्थ को पूरा करते हुए AWM हाथ में लेते हैं और भाई साहब को इंतजार करते हुए लेटते लेटते आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई साहब कहीं दिख नहीं रहा होता है, वो भी भाई साहब थोड़ा प्रो टाइप का लग रहा होता है, लेकिन ये लास्ट में भाई दिख जाता है कि भाई ऊपर से ATX लगा करके भाई हमें दे रहा होता है। तो फिर क्या था, उनका तो पेटी बनना ही था जो कि बन गया। फिर एक दूसरे तरफ जो बंदा था वो जो नहीं मिल रहा था वो इसी तरफ आ गया था। तो भाई इसको भी ढूंढना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि भाई मुझे तो पेटी बनाना है। तो भाई साहब को ढूंढने के लिए रेंगते रेंगते आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब ये भी थोड़ा उछल कूद कर रहा होता है लंगूर की तरह, तो लंगूर ही होगा, भाई साहब को तो पेटी बनाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या था, भाई साहब को हम देख लेते हैं कि वाह। तो फिर हम पेड़ के निकट जाते हैं, क्योंकि अपना भी सेफ्टी ज़रूरी होता है ना। तो फिर क्या था, भाई साहब इधर आ रहे होते हैं छुप के स्नैपिंग करने के लिए। तो मेरे पास भी 6X था AWM, तो वो भी मुझे एक AWM देते हैं। मेरे पास तो थोड़ा हेल्थ किट वगैरह था तो यूज कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब को पेटी बन जाती है। तो फिर इसी को पेटी बनाते हुए 12 किल हो जाती है। और फिर हम एक बैंडेज यूज करते हैं, लेकिन
थोड़ा पीछे घसने के बाद बंदे यूज नहीं हो पाते हैं, तो सोचे कहे ना भाई अब हम डायरेक्ट मेडकिट यूज कर लिया जाए, क्योंकि भाई साहब अभी एक ही बंदी बचे हैं तो मेडकिट किस काम का आएगा। तो फिर हम वो यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, सोचे भाई साहब कहे ना किल करके चिकन डिनर ले लें, तो बंदे लास्ट में दिख ही जाते हैं। तो ये एक AWM से भाई साहब को कुछ होता है नहीं, तो फिर दूसरे AWM में तो भाई का पेटी तो बन ही जाती है। इसी के साथ हमारे भाई चिकन डिनर करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह वीडियो देखने के लिए।